आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर लैंग्वेज के बारे में। इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे और क्या है इसका फ्यूचर स्कोप और कितना ज़्यादा यूज होता है, कितना ज़्यादा कैपेबल है जावा स्क्रिप्ट और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है? क्या कोई भी इंजीनियर या फिर कोई भी पर्सन जावा स्क्रिप्ट सीख लेता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि 2019 तक ये दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में 8वां पोजीशन तक में हमेशा फ्लक्चुएट होता रहा है। और आपको बता दें, आज 2019 में भी 67% डेवलपर्स आज जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके काम करते हैं। और आज जब 2021 का बात कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क जैसे React.js और Node.js, ये दो फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आज बना दिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, दुनिया के 95% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स, यानी करीब 1.52 से भी ज़्यादा बिलियन वाले वेबसाइट्स, 1.52 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बने हैं, जिसमें से बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे गूगल, याहू, यूट्यूब, बींग और फेसबुक, ये बहुत तरीका के वेबसाइट्स बने हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, हमारे ईबे, ओएलएक्स, ये सारे वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बने हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। अब सबसे पहले ये तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और वाइडली यूज़ हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट होता क्या है? ध्यान समझिए, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, ये तीनों मिलकर वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाने में यूज़ होते हैं। इसीलिए इसे फ्रंट एंड डेवलपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। जहाँ HTML और CSS के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, HTML वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ होता है, उसका ढांचा बनाने में यूज़ होता है, लेकिन CSS उसके ऊपर मेकअप, उसको कास्केड करने का काम करता है, उसको स्टाइल प्रोवाइड करने का काम करता है। वहीं यदि JavaScript के बारे में बात करें तो JavaScript यूज़र के साथ जो भी इंटरेक्शन वेबसाइट्स के साथ होता है उसको हम लोग JavaScript के माध्यम से तैयार करते हैं। जैसे वेबसाइट्स में ग्राफिक्स लाना, वेबसाइट में नेविगेशन लाना, वेबसाइट में स्क्रॉल व्हील लाना, एनिमेटेड कंटेंट लाना, इमेजेस लाना, वीडियोस लाना, स्ट्रक्चर वेबसाइट का कुछ ऐसा बनाना कि वो ग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखे, यानी जो भी यूजर के साथ इंटरेक्शन होता है इन सारे चीज़ों को क्रिएट करने का काम जावास्क्रिप्ट का ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लाइक बटन किस तरीके से यूट्यूब में शो होता है, वो किस तरीके से वीडियो रिकमेंड करता है, किस तरीके से वीडियो होम पेज में शो होता है, सजेशन में वीडियो कैसे आता है, वीडियो अपलोड करने पर उसका ढांचा कैसा बनता है, ये सारा जो भी होता है ये जावास्क्रिप्ट के माध्यम से ही होता है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज यही कारण है क्योंकि आने वाले समय में वेबसाइट्स का जमाना होने वाला है, लोग डिजिटल हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप पता आपको लग सकता है कि जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। और तो और यदि बात करें जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री के बारे में तो सितंबर 1995 में नेटस्केप द्वारा, ब्रैंडन के द्वारा इस जावास्क्रिप्ट को मात्र 10 दिनों के अंदर बनाया गया। शुरुआत में तो इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन समय के साथ इसको चेंज करके जावास्क्रिप्ट बना दिया गया। बहुत लोग जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों में कोई भी कॉमन बात नहीं है, दोनों जमीन आसमान के अंतर रखने वाले चीज़ें हैं। जावास्क्रिप्ट जहाँ वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाने में यूज़ होता है, यूज़र से इंटरेक्शन करने में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें यूज़ होता है, तो वहीं बात करें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा के बारे में तो उसका यूज़ तो गेम बनाने में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने में, चीज़ों को कोडिंग करने में, इन सारी चीज़ों में होता है। तो ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब मैं
आपको बताया आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है, और 2021 तक ये आज तक दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक रहा है। यदि आप अपना प्रोग्रामिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन है, तो जावा स्क्रिप्ट आज है। आप इसे सीख करके अपना करियर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाइथन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बेसक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट उन सब में से सबसे ऊपर जा रहा है, तो आपको जावा स्क्रिप्ट भी सीखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देकर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।